गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक सर्वनाम को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के टॉपिक में आपने नाउन को पढ़ा, संज्ञा को पढ़ा और यह है सर्वनाम प्रोनाउन। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ भी हमने आपको बताया था, नाम होता है। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? नाम होता है, अर्थात सभी के नाम क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ सभी का नाम। सर्वनाम की परिभाषा, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आपके मन में ये दुविधा होगी बच्चों कि संज्ञा को पढ़ लिया, सभी का नाम तो पढ़ लिया हमने नाउन के अंतर्गत, सभी नाम नाउन हैं, संज्ञा हैं, तो इस प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों हुई, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों हुई? इसे जानने के लिए बच्चों ये जरूरी है कि वाक्य में यदि हम नाउन नाउन का ही प्रयोग करते रहेंगे, हर वाक्य में उसी नाउन के लिए नाउन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो बार बार जो शब्दों का दोहरान होगा उससे वाक्य सुंदरता खत्म हो जाएगी, उससे वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाएगी। जैसे मोहन एक होशियार लड़का है, मोहन पढ़ने में तेज है, मोहन खेलता भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ बार बार मैंने तीन सेंटेंस बोले, तीनों सेंटेंसों में मोहन मोहन मोहन, पढ़ने में अच्छा, खेलने में होशियार, वैसे अच्छा। लेकिन इस सेंटेंस को यदि हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए बोलते, एक बार नाउन का प्रयोग हो जाए अगले सेंटेंस में, अगले वाक्य में यदि उस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग हो जाए, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो जाए, तो उस वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है, वो वाक्य सुंदर लगने लगता है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में होशियार है, तो यहां पर मोहन की जगह हमने किसका प्रयोग कर दिया? वह का। और वह खेलने में भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम शब्द की पुनरावृत्ति के दोष से बच गए और वाक्य में क्या आ गई? सुंदरता आ गई, चारुता आ गई। तो इस कारण हमें भाषा को सुंदर और सहज बनाने के लिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम की डेफिनेशन आपको समझ आ रही होगी, परिभाषा आपको समझ आ रही होगी कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद इसके जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, यह वह वे उन उस उसको, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सभी वर्ड ऐसे हैं, ऐसे ये सारे शब्द ऐसे हैं जो किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं? नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं और क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम के आगे देखिए, सर्वनाम के काइंड्स प्रकार भेद कितने होते हैं? छह होते हैं। सर्वनाम के काइंड्स कितने होते हैं? सिक्स।
छह होते हैं। नंबर फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर सिक्स निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के काइंड्स कितने हो गए? सिक्स। कितने हो गए? सिक्स। तो उसमें से जो पहला सर्वनाम का जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की डिफाइन देखिए, परिभाषा देखिए। देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनमें कोई बात को कहने वाला हो, सुनने वाला हो, या बोलने वाला हो, या जिसके विषय में बात की जा रही हो, या जिसके विषय में बात की जा रही हो, वे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डिफाइन देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी बात को कहने वाले, पहली बात समझ में आनी चाहिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी बात को कहने वाले, यानी बात को कहने वाला है ना, वो जो बात कह रहा है सब्जेक्ट है, सुनने वाले कहने वाले की बात को सुनने वाले, कहने वाले की बात को सुनने वाले, तथा जिसके विषय में बात की गई है। तीन बातें हैं, बात को कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की गई है के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कौन से वाचक सर्वनाम कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की गई है के स्थान पर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया होगा। इसके अंतर्गत तीन स्टेज होती हैं, बात को कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की गई है। ये तीन स्टेज यदि जिन शब्दों में मिलते हैं वाक्य में, तो समझो वो कौन से वाचक सर्वनाम के शब्द हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी काइंड्स दिए हुए हैं। कितने हैं? तीन हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? तीन हैं। कैसे हो गए तीन? तीनों स्तरों के आधार पर। जिस तरह से तीन स्तर होते हैं, अलग अलग बात को कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की गई है, तीनों स्टेजों के आधार पर इसके थ्री काइंड होते हैं, तीन प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार के नेम नीचे दिए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। ये तीन स्तर दिए गए हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो इस तरह ये तीनों जो काइंड्स हैं, तीनों प्रकार हैं, वो इस पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन स्टेज हैं, स्तर हैं। जैसे देखिए, मैं बात को कहने वाला, मैं बात को कहने वाला, मैं इसका उदाहरण भी हो जाएगा। और तुम बात को सुनने वाले, तुम बात को सुनने वाले और
वह मैं तुम वह वह अन्य पुरुष है जिसके विषय में बात की गई है, जिसके विषय में बात की गई है वह कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के वीडियो का जो टॉपिक था हमारा था सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताया, सभी का नाम, सर्वनाम की डेफिनेशन आपको बताई, संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उन, उस, उसको, ठीक है। इसके बाद सर्वनाम शब्दों के काइंड्स, प्रकार, भेद कितने होते हैं? छः होते हैं। कितने होते हैं? छः होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये इसके कितने काइंड्स हो गए? 6 काइंड हो गए, जिसका फर्स्ट काइंड का भेद हमने आपको लिखा दिया है आज। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी बात को कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की गई है के स्थान पर होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैं, तुम, वह। तो यहाँ तक का टॉपिक आज क्लियर होता है। आगे हम जो इसके 5 अगले भेद हैं उनको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप क्रम से इसको उतारें, लर्न करें, फिर वर्क की कॉपी में वर्क करें, तो अगला वीडियो में ये टॉपिक पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।